नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। बहुत से लोग जो हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके मन में बस यही सवाल आता है कि क्या वो हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। मैं डॉक्टर मनाली शाह, बोर्ड सर्टिफाइड हेयर लॉस स्पेशलिस्ट एंड चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक पुणे। तो चलिए आपके बालों के मसले को समझते हैं और उसका समाधान करते हैं। हेयर लॉस रिवर्सल की बात करने से पहले हमें हेयर लॉस की समस्या होने के कारण जानना जरूरी है। हेयर लॉस का कारण जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकते हैं। हर रोज थोड़े बाल झड़ सकते हैं, वो नॉर्मल होता है, पर जब एक्सेसिव हो जाता है और नई ग्रोथ नहीं होती तो मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं हेयर लॉस रिवर्सल के बारे में। इज हेयर लॉस रिवर्सल पॉसिबल? यस, हेयर लॉस रिवर्सल पॉसिबल है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और इसमें कुछ फैक्टर्स का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हेयर लॉस रिवर्सल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमें हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना ज़रूरी है। हेयर फॉलिकल्स के अंदर होता है एक ग्रोथ फेज, एनाजन फेज, फॉलोड बाय अ रेस्टिंग फेज जिसको टेलोजन फेज कहते हैं, और फिर एक शेडिंग फेज रहता है, कैटाजन फेज। जब बाल ज़्यादा समय के लिए टेलोजन यानी रेस्टिंग फेज में रहते हैं और साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो हेयर लॉस होने लगता है। हेयर लॉस रिवर्सल ट्रीटमेंट्स हेयर फॉलिकल्स को एनाजन फेज में स्टिमुलेट करते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो गए हैं तो उनको रिएक्टिव करना पॉसिबल है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और हेयर केयर रूटीन से हेयर लॉस को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, उनमें जीवन नहीं बचा है, तो उन्हें एक्टिवेट करना जरूरी रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स की जो हेयर लॉस रिवर्सल में मदद करती है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स रिवर्सल में मिनोक्सिडिल टॉपिकल लोशन और फिनास्टेराइड ओरल मेडिकेशन हेयर लॉस ट्रीटमेंट में कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, मीसोथेरेपी और लेजर थेरेपी भी हेयर लॉस रिवर्सल के लिए इफेक्टिव होती है। हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे में हम पर्सनलाइज्ड एंड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान्स तैयार करते हैं, जिसमें एडवांस टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का उपयोग होता है। चलिए मैं आपको इन ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल्स बताती हूँ। पीआरपी थेरेपी एंड मीसोथेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट्स ओन ब्लड प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है, which is rich in growth factors especially to stimulate hair growth. Another treatment is mesotherapy, जिसमें ज़रूरी पोषक तत्व, proteins, vitamins का सीधे scalp में delivery किया जाता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और बाल मजबूत होते हैं। Laser therapy and microneedling. Low level laser light therapy के साथ microneedling को जोड़ा जाता है, जिसमें scalp में छोटे छोटे micro channels बनाए जाते हैं ताकि वहाँ उचित एब्सॉर्प्शन हो सके, जिससे लेजर थेरेपी के लाभ बढ़ जाते हैं और बालों की क्वालिटी, डेंसिटी में भी सुधार होती है। नेक्स्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट। ज़्यादा बाल झड़ने वाले लोगों के लिए जिनमें गंजापन हो चुका है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत प्रभावशाली समाधान है, जैसे कि एंडोजेनेटिक अलोपेशिया एंड मेल पैटर्न बाल्डनेस। इनमें डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल्स लिए जाते हैं और गंजे हिस्से में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसको पीआरपी थेरेपी के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सर्जरी के बाद रिकवरी और बढ़िया होती है, बालों की ग्रोथ और तेजी से होती है। नेक्स्ट इज ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस। हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स में अक्सर ओरल मेडिकेशंस और टॉपिकल ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओरल मेडिकेशंस जैसे फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल आमतौर पर दिए जाते हैं, जिससे बालों का झड़ना रोका जाता है, बाल उगने और बालों का हेल्थ सुधारने के लिए मदद होती है। टॉपिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर ग्रोथ सीरम्स, सॉल्यूशंस स्काल्प पर डायरेक्ट लगाए जाते हैं, जिसमें बालों का पोषण होता है, ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन होता है। नेक्स्ट है ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विथ हेयर केयर रेजिमेंस। हम समझते हैं कि बालों की सेहत सिर्फ बाहरी उपचार से ही होती है, लेकिन नहीं, बल्कि अंदर से भी प्रभावित होती है। कई बार हेयर लॉस सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से नहीं, बल्कि अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस या न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज की वजह से होता है। इसलिए हम कंप्लीट डायग्नोसिस के बाद कुछ खास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं, जो बालों की सेहत को अंदर से सुधरने में मदद करते हैं।
साथ ही हम कस्टमाइज हेयर के रेजिमेंट्स भी एडवाइस करते हैं जो स्पेसिफिक हेयर लॉस समस्याओं को एड्रेस करते हैं और बालों की अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देते हैं। आर हेयर लॉस रिवर्सल ट्रीटमेंट्स सक्सेसफुल? हमारे एक्सपीरियंस टीम ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्रैकोलॉजिस्ट हर पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री और ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर एक पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। एडवांस टेक्निक्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जोड़कर हम इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो हमारे पेशेंट्स की हेयर ग्रोथ और उनके ओवरऑल वेलबींग में सुधार लाता है। याद रखिए, हेयर लॉस रिवर्सल कामयाब होने के लिए अर्ली इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब आप पहली बार हेयर लॉस या हेयर थिनिंग नोटिस करते हैं तो तुरंत एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन से हेयर लॉस प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट का समय पर शुरुआत की जा सकती है। तो ये थी कुछ बातें बालों का टाइम मशीन हेयर लॉस रिवर्सल के बारे में। टू कंक्लूड, हेयर लॉस रिवर्सल पॉसिबल है अगर आपके हेयर फॉलिकल्स अभी भी जीवित है तो, पर ये पॉसिबल है ओनली विथ करेक्ट डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप के साथ। अगर आपको बालों से संबंधित किसी स्पेसिफिक कंसर्न या परेशानी के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एंड टेक केयर।